भाई आप वो टेबल खाली करो रखने के लिए ना। हाँ। रखा है वो जी खाली है। धीरे 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 आगे वाला चलो आ तुम भी लगा लिया पवन दंगल की अंतिम यात्रा में कई दर्शक हजारों के हिसाब से अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। लावने लावने दो तो
पता नहीं और किधर ही ठीक है।
उसको करता हूँ।
सेना के अधिकारी जो शहीद पवन जंगल के साथ जम्मू कश्मीर से पहुंचे हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शहीदों को सलामी देगा सलामी सच गॉड सो सच Thank you.
अब अपनी कार्रवाई कर लो, जिंदा हो गया, इसके नीचे डालो, क्या काम हो गया?
बॉडी खाना पड़ता होना बॉडी निकालनी पड़ेगी इसमें थोड़ी चलाएंगे इसके अंदर अब तो बॉडी निकालना पड़ेगा अंदर कहाँ चलेगा बॉडी अरे बॉक्स तो बाद में फाड़ के डाल देंगे उसमें डेड बॉडी तो बाहर आ गई चलाने पड़ेगा तो कुलाड़ी से मारो उसको कुलाड़ी से Thank you.
कपड़ा लगाया पीछे हटो यार यार मत खोलो जब मना कर रहे हो पूर्व विधायक राकेश सिंघा और विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री नंदलाल जी और एसडीएम रामपुर मौजूद है, तो आप लाइव स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता देंगे कि शहीद पवन दंगल जो पुलवामा हादसा हुआ था, आज उनके गृह क्षेत्र में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। बीते सोमवार को रात्रि के समय कश्मीर घाटी में हुआ पुलवामा हमले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान दो जवान जख्मी हुए थे, जिनका एक जवान जो है उपचार के दौरान शहादत को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। तो आज उनका अंतिम संस्कार उनके गृह क्षेत्र में किया जा रहा है, आप लाइव स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। पूरे रामपुर क्षेत्र में जहां दुख का माहौल बना हुआ है, वहां वहीं पर कहीं ना कहीं आज हिमाचल को गर्व भी महसूस हो रहा है कि जो है जवान शहीद हो गए आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए, जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। तो आप लाइव स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। वे उल्टा मार बार को अरे उल्टा बार को मार को साहब बार को मारे हो इनके प्रति जो लोगों का प्रेम था, प्यार था, तो आप स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो इनके प्रति प्रेम था, प्यार था, कितनी जो आज जनसंख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप लाइव स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। लगभग हजारों की संख्या में तैनात जो इनके परिजन है, रिश्तेदार है और अन्य यार दोस्त इनके प्रति जिन्होंने प्रेम प्यार दिखाया, तो आज इस अंतिम घड़ी में आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ शहीद हुए पवन दंगल के साथी स्टाफ को आप देख पा रहे हैं, उनको सलामी देते हुए शहीद पवन दंगल को।
शहीद पवन दंगल का अंतिम संस्कार हो रहा है, आप लाइव स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे हैं। इस साथी फायरिंग के साथ अंतिम विदाई देते हुए बाकी आगे मत जाओ, ज्यादा मत जाओ आगे। आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो आज यह जन समूह उमड़ा है वह उनके प्रति प्रेम प्यार और स्नेह की भावना है कि आज यह गर्व की बात है इस क्षेत्र के लिए, जो कि आज पूरे भारतवर्ष में हिमाचल का नाम रोशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका जो है अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई। Yeah, yeah, yeah.